मेरे क्लिनिक में ये है कि जिन भी बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या वो सुन नहीं सकते, या कोई बड़ा भी है, अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, सडनली आवाज़ चली गई, सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहा, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। उनके सुनने के लिए पहले हम टेस्टिंग करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी इस मशीन से होती है, है ना? और उसके अकॉर्डिंग जैसे भी अगर हेयरिंग एड की नीड है तो फिर वो उनको प्रोवाइड की जाती है। अगर बोलने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए थेरेपी की जरूरत है, तो वो कराई जाती है। वो तो आपकी जान पहचान में या आपके पड़ोस में कहीं पर भी अगर किसी बच्चे को या किसी बड़ों को भी इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ज्योति के इस क्लिनिक पर ज़रूर आए। हेलो है नीनी पूरी हो गई? हो गई नीनी पूरी। बाबू बाबू घूमी चले, घूमी चले। देखो कौन आया, देखो कौन आया, कौन आया। ओहो ओहो, अरे बाबू, ये कितने साल का है? आई पहचान है उसको, देखो कैसे मेहनत लग गई बेचारे को। कौन खाएगा चिली? तेरा कौन है? तो ये आप देख सकते हैं, मैं आई हूँ एक गाज़ियाबाद में, एक स्पीच एंड हियरिंग का क्लिनिक है, तो वहाँ पर मैं आई थी। और बाकी आपको ज्योति डिटेल में बताएंगी। ये ज्योति का बेबी है, छोटा सा प्यारा सा। बच्चों को साथ में रख के ये वर्क करना इतना आसान नहीं होता। तो ज्योति बताओ कैसे क्या है तुम्हारी क्लिनिक में? मेरे क्लिनिक में ये है कि जिन भी बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम आ रही है या वो सुन नहीं सकते, या कोई बड़ा भी है, अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, सडनली आवाज़ चली गई, सुनाई नहीं दे रहा, बोल नहीं पा रहा, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। उनके सुनने के लिए पहले हम टेस्टिंग करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी इस मशीन से होती है, है ना? और उसके अकॉर्डिंग जैसे भी अगर हेयरिंग एड की नीड है तो फिर वो उनको प्रोवाइड की जाती है। अगर बोलने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए थेरेपी की जरूरत है, तो वो कराई जाती है। वो जैसे जैसे जिसका भी प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग सेशन डिवाइड किए जाते हैं। अच्छा, ये देखो दी हमारे लिए लगा रही है खाना, बढ़िया बढ़िया, टेस्टी टेस्टी। अरे बाबरी, ये कैसे देख रहा है, इसको मिलेगा जैसे वो तुम्हारा पैम्पलेट दिखा देना, पैम्पलेट भी शो कर देती हूँ। तो ये है जो कि यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं। एक मिनट, इसको यहाँ पे करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि सुनने की जांच, स्पीच थेरेपी, है ना, श्रवण, बधिर, मन बुद्धि, ये क्या है, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, तुतलाना, हकलाना, स्ट्रोक, कान की मशीन, टीनेटस मैचिंग। ओके, और ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ये है एड्रेस। तो आप लोग अगर किसी को भी आपकी जान पहचान में या आपके पड़ोस में कहीं पर भी अगर किसी बच्चे को या किसी बड़ों को भी इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर ज्योति के इस क्लिनिक पर ज़रूर आएँ। ठीक है, ज्योति स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक जो कि गाज़ियाबाद में है, और ये पड़ता है जो हमारा पुराना बस अड्डा है ना, पुराने बस अड्डे के नीचे सारे क्लिनिक्स हैं, पोदार हॉस्पिटल है, इसी के पास में ये एक क्लिनिक है। तो अगर किसी को इस तरह की दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर विजिट करें। और अब हम लोग चलते हैं अपने खाने की तरफ, जो कि दी लगा चुकी है बढ़िया से। खा लो, सब खा लो। ओके, तो पहले हम लोग पेट पूजा करते हैं थोड़ी देर। ओके, इनका खाना भी बना ही नहीं बेचारे का, खा के एक चीनी प्लेटो खिला दो इसे। हाँ मिर्ची, तो देखो हम सब तो खा रहे हैं, आपको कोई नहीं दे रहा, हम सब तो खा रहे हैं। ठीक है, तुम खा लो।
बाद खाओगे? कैसे खाओगे तुम? तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पे वापस और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज पूरा दिन, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। काम जो है वो काम तो करना ही पड़ेगा, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, तूफान हो, काम तो करना है। तो मैं घर पे आई तो मैंने देखा, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो ये मेरा छोटा वाला बेटा, देखो ड्राइंग कर रहा है। मैं ठीक से दिखाती हूँ आप लोग। तो ये देखिए, ये कर रहा है ड्राइंग। इसको ड्राइंग का बहुत शौक है। शुभ अपनी बाकी ड्राइंग सिखाना जरा, पीछे भी तो बनाई है ना, दिखाना शुभ। कैन यू प्लीज? नो। कैन यू प्लीज दिखाओ, जल्दी दिखाओ ना। यहाँ से देख देख के बना रहा है ये मोबाइल से। शो मी, वेरी नाइस। और पीछे अभी नाखून तुम तोड़ देते, अरे मेरा नाखून टूट जाता। तो इसको बनाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके, तो बस थैंक यू सो मच। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार, नाखून में दर्द हो गया, तोड़ दिया इस लड़के ने नाखून मेरा। अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।